अमूमन हत्या के मामले में लोगों की सिंपैथी अक्सर मरने वाले के साथ होती है, मगर आज हम आपको जिस घटना की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं इसमें लोगों की हमदर्दी मरने वाले की बजाय मारने वाले यानी हत्यारे के साथ हो गई थी। जब केस की सुनवाई के दौरान यह हत्यारा कोर्ट में जाता है तो इसके पीछे हजारों लोगों की भीड़ चलती थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट खचाखच भरा रहता था। कोर्ट के बाहर हत्यारे के समर्थन में नारेबाजी होती रहती थी। हालात तो ऐसे हो गए थे कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तक को इस हत्याकांड पर बयान देना पड़ा था। हम भारत के सबसे चर्चित हत्याकांड में से एक KM नानावती केस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आखिर KM नानावती केस की पूरी कहानी क्या है, कत्ल किसका किया गया था, कातिल कौन था, कत्ल की असली वजह क्या थी और कोर्ट की सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ था, चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। ये एक मर्डर केस जरूर था, मगर जिस तरीके से और जिस कारण से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था वो अपने आप में काफी हैरान कर देने वाला था। इसे भारतीय इतिहास का पहला केस भी कहा जाता है जिसका मीडिया ट्रायल हुआ था। तो हम ये कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी के सबसे अहम किरदार हैं कवस मानिकशाह नानावती। कवस मानिकशाह नानावती या KM नानावती का जन्म 1925 में एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई लिखाई के बाद ये आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। वहीं वो नेवी से भी जुड़ जाते हैं। इंग्लैंड में रहते हुए ही 1949 में KM नानावती की मुलाकात सिल्विया नाम की एक लड़की से होती है। KM नानावती लंबी चौड़ी कदकाठी के थे तथा वो देखने में काफी आकर्षक भी थे। इस कारण पहली ही मुलाकात में सिल्विया KM नानावती की तरफ आकर्षित हो जाती हैं और देखते ही देखते इन दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ती है कि एक दिन KM नानावती सिल्विया से पूछ ही लेते हैं कि क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी, और बस सिल्विया की हां के बाद एक नई कहानी की शुरुआत हो जाती है। सिल्विया के यस कहते ही KM नानावती बेहद ही सादगी के साथ इंग्लैंड में ही एक लोकल कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के समय नानावती की उम्र 24 साल थी जबकि सिल्विया 18 साल की थी। शादी के बंधन में बंधने के बाद KM नानावती और सिल्विया मुंबई आकर बस जाते हैं। यहां KM नानावती इंडियन नेवी के साथ जुड़कर देश की सेवा में लग जाते हैं। यहां तक इनकी जिंदगी बेहद ही खूबसूरत थी। बीतते समय के साथ इनकी जिंदगी में हर तरह की खुशियां आती रहती हैं। KM नानावती और सिल्विया 3 बच्चों के माता पिता भी बनते हैं। इनके घर 2 बेटे और 1 बेटी का जन्म होता है। क्योंकि KM नानावती भारतीय नेवी में थे और उस समय के सबसे काबिल अफसर में गिने जाते थे, इस कारण बीतते समय के साथ इंडियन नेवी में उनका कद भी बड़ा हो गया था। इस कारण वो ज्यादातर अपनी ड्यूटी पर ही रहते थे और अधिक जिम्मेदारी की वजह से परिवार को बहुत कम समय दे पाते थे। फिर भी इन दोनों में काफी प्यार था और ये पूरा परिवार एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। ये बात 1959 की है। KM नानावती की पोस्टिंग INS मैसूर पर थी तथा नेवी में वो सेकंड इन कमांड के पोस्ट पर थे। एक लंबी पोस्टिंग के बाद 18 अप्रैल 1959 को नानावती अपनी ड्यूटी से छुट्टी मिलने के बाद मुंबई स्थित अपने घर पर आते हैं। इस बार घर आने पर नानावती को घर का माहौल काफी बदला बदला लगता है। इन दोनों की शादी को 10 साल हो गए थे, मगर ये पहली बार हो रहा था जब सिल्विया नानावती से दूर रहने की कोशिश कर रही थी। नानावती जब भी कोई बात करने की कोशिश करते सिल्विया वहां से हट जाया करती थी। सिल्विया की इन हरकतों से नानावती को शक होने लगता है कि सिल्विया की जिंदगी में जरूर कुछ अलग हुआ है, तभी वो दूर रहने की कोशिश कर रही है। इसके बावजूद KM नानावती पत्नी की सभी हरकतों को नजरअंदाज करते हुए रिश्तों को सामान्य बनाने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। इन सब में कई दिन बीत जाते हैं मगर रिश्तों में कोई सुधार नहीं आता है। मूड चेंज करने के लिए KM नानावती परिवार समेत फिल्म देखने का प्लान बनाते हैं और 27 अप्रैल 1959 के एक 3 बजे के शो के लिए कुल 5 टिकट ले लेते हैं। सोच ये थी कि शायद साथ में फिल्म देखेंगे तो रिश्तों में बढ़ रही कड़वाहट दूर होगी, मगर जब नानावती फिल्म देखने के प्लान के बारे में बताते हैं तो बात और बढ़ने लगती है। इसी बहस के बीच KM नानावती फाइनली सिल्विया से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश क्यों कर रही हो। सिल्विया कोई जवाब नहीं देती हैं। KM नानावती अगला सवाल करते हैं कि क्या तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो। इस पर भी सिल्विया का कोई जवाब नहीं आता है।
अब नानावती का अगला सवाल था, क्या तुम किसी और से प्यार करने लगी हो? सिल्विया इस सवाल के जवाब में भी खामोश रहती हैं। ये खामोशी केएम नानावती को कम से कम इस बात का जवाब दे ही देती हैं कि अब सिल्विया किसी और से प्यार करती हैं। इसी के बाद नानावती सिल्विया से पूछते हैं, क्या वो आहूजा है? आहूजा का नाम सुनते ही सिल्विया हां में सर हिलाती हैं। सिल्विया के हां कहते ही नानावती एकदम से शॉक्ड रह जाते हैं और बिल्कुल खामोशी के साथ कुछ मिनट तक वहीं पर बैठे रहते हैं। आखिर ये आहूजा कौन था जिसके बारे में केएम नानावती ने सिल्विया से पूछा था? आहूजा का पूरा नाम प्रेम भगवान दास आहूजा था, जो सिंधी समुदाय से आते हैं। प्रेम आहूजा का भी संबंध एक अमीर घराने से था तथा आहूजा खुद भी कई तरीके के बिजनेस को हैंडल करता था। मुंबई में रहने के दौरान ही प्रेम आहूजा तथा केएम नानावती की दोस्ती हुई थी। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती बढ़ती चली जाती है और दोनों एक दूसरे के घर आना जाना भी शुरू कर देते हैं। वैसे तो दोस्ती केएम नानावती तथा प्रेम आहूजा के बीच थी, मगर जब केएम नानावती वापस अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं तब भी प्रेम आहूजा का नानावती के घर पर आना जाना जारी रहता है, क्योंकि शुरुआती कुछ ही मुलाकात के बाद नानावती की पत्नी सिल्विया का झुकाव प्रेम आहूजा की तरफ हो जाता है और देखते ही देखते सिल्विया आहूजा से प्यार करने लगती हैं। अब जबकि सिल्विया ने अपने पति के सामने प्रेम आहूजा से अपने प्रेम का इकरार कर लिया था, ऐसे में नानावती कुछ देर की खामोशी के बाद सिल्विया से कहते हैं कि मैं भी आहूजा से मिलना चाहता हूं। ये कहकर वो फिर खामोश हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद नानावती कहते हैं, तुम्हारे बगैर रहने से अच्छा है कि मैं खुद ही आत्महत्या कर लूं। नानावती के आत्महत्या की बात कहते ही सिल्विया तुरंत उन्हें शांत करने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि तुम तो इस मामले में बिल्कुल निर्दोष हो। इसी मुद्दे को लेकर अगले कुछ मिनट तक इन दोनों में बातचीत होती रहती है और इसी बातचीत के दौरान अंत में केएम नानावती एक बार फिर से सिल्विया को कहते हैं कि अगर तुम प्रेम आहूजा को भूल जाओ तो हम अभी भी साथ रह सकते हैं। इस पर सिल्विया कुछ भी नहीं कहती हैं और बिल्कुल खामोश रहती हैं। सिल्विया की इस खामोशी में भी कहीं ना कहीं एक जवाब छिपा हुआ था, जिसे केएम नानावती समझ जाते हैं और सिल्विया से आखिरी सवाल पूछते हैं कि क्या तुम उससे यानी आहूजा से शादी करने वाली हो? क्या वो तुम्हारा और हमारे बच्चों का ख्याल रखेगा? इस पर भी सिल्विया कुछ जवाब नहीं देती हैं। केएम नानावती तथा सिल्विया के बीच ये पूरी बातचीत दिन के लगभग 1 बजे के आसपास हुई थी। इस पूरी बातचीत के होते होते फिल्म देखने का समय भी हो जाता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद नानावती फिल्म देखने जाने का प्लान चेंज नहीं करते हैं, बल्कि सभी बातों को खत्म करके सभी को फिल्म देखने जाने के लिए तैयार होने के लिए कहते हैं और फाइनली ये सभी अपनी कार से मेट्रो थिएटर की तरफ निकल चलते हैं, जहां उन दिनों टॉम थंब नाम की फिल्म लगी हुई थी। लगभग 3 बजे के आसपास केएम नानावती अपने 3 बच्चों और पत्नी को लेकर मेट्रो थिएटर के पास पहुंच जाते हैं। प्लान के मुताबिक नानावती को भी फिल्म देखनी थी, मगर थिएटर पहुंचने के बाद नानावती सिल्विया से कहते हैं कि तुम बच्चों को लेकर फिल्म देख लो, मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर निकलना है, मैं 6 बजे तक आकर फिर से तुम लोगों को थिएटर से रिसीव कर लूंगा। नानावती के इतना कहने के बाद सिल्विया अपने बच्चों को लेकर थिएटर में चली जाती है, जबकि केएम नानावती अपनी गाड़ी बढ़ाते हुए दूसरे रास्ते पर निकल जाते हैं। ये रास्ता उस ओर जा रहा था जहां समुन्दर में INS मैसूर ठहरा हुआ था। नेवल बेस पर पहुंचने के बाद केएम नानावती उस समय इस शिप पर तैनात अधिकारी से कहते हैं कि मुझे कुछ जरूरी काम से शहर के बाहर जाना है, इसलिए सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मुझे अपनी गन चाहिए। नानावती के इतना कहने के बाद वहां पर तैनात अधिकारी कागजी कार्यवाही करने के बाद नानावती को उनका लाइसेंसी पिस्तल तथा 6 बुलेट एक लिफाफे में बंद करके दे देते हैं। नानावती वहां से बंदूक तथा बुलेट लेने के बाद अपनी गाड़ी प्रेम आहूजा की गाड़ी के शोरूम की तरफ मोड़ देते हैं। जैसे ही नानावती प्रेम आहूजा के शोरूम पर पहुंचते हैं, पता चलता है कि थोड़ी देर पहले ही आहूजा वहां से निकल चुका है। क्योंकि प्रेम आहूजा नानावती का दोस्त भी था, इसलिए नानावती को प्रेम आहूजा के घर के बारे में भी अच्छे से पता था। इसलिए नानावती अपनी गाड़ी मालाबार हिल के नेपियंसी रोड स्थित जीवन ज्योति अपार्टमेंट की तरफ मोड़ देते हैं। इसी जीवन ज्योति अपार्टमेंट के 2nd फ्लोर पर प्रेम आहूजा का फ्लैट था। अभी शाम के लगभग 4:20 हो रहे थे। केएम नानावती अपनी गाड़ी नीचे पार्क करके 2nd फ्लोर पर जाकर दस्तक देते हैं। घर का दरवाजा घर की नौकरानी अंजनी रापा खोलती हैं। अंजनी भी नानावती को अच्छे से जानती थी। नानावती के घर में एंटर करते ही वो समझ जाती हैं कि ये प्रेम आहूजा से ही मिलने आए हैं, इसलिए अंजनी इशारा करते हुए बताती हैं
कि प्रेम कमरे में है। ऑफिस से आने के बाद प्रेम आहूजा अभी अभी बाथरूम से नहा कर निकला था और इस समय बदन पर तौलिया लपेटे हुए एक आईने के सामने खड़ा होकर अपने बाल झाड़ रहा था। केएम नानावती सीधे प्रेम आहूजा के कमरे में चले जाते हैं। अचानक से नानावती को अपने कमरे में देखकर प्रेम आहूजा सरप्राइज्ड रह जाता है। प्रेम आहूजा अभी कुछ कह पाता उससे पहले ही नानावती सीधे प्रेम आहूजा से पूछते हैं कि क्या तुम सिल्विया से प्यार करते हो और क्या तुम सिल्विया से शादी करने के बाद उसका और हमारे बच्चों का ख्याल रख सकते हो। जवाब में तुरंत प्रेम आहूजा कहता है कि क्या मैं जितनी औरतों के साथ सोता हूं सभी से शादी कर लूंगा। प्रेम आहूजा की यह बात सुनकर नानावती को काफी गुस्सा आता है और दोनों में बहस होने लगती है। प्रेम आहूजा नानावती से कहता है कि मैं तुम्हें धक्का मारकर यहां से निकाल दूं, उससे बेहतर है कि तुम खुद ही यहां से निकल जाओ। अभी इन दोनों में बहस हो ही रही थी कि तभी नीचे कमरे में बैठी प्रेम आहूजा की बहन मैमी आहूजा को ऊपर के कमरे से तेज आवाज आती है। वो भागते हुए अपने भाई के कमरे में जाती हैं तो देखती हैं कि प्रेम आहूजा नीचे खून से लथपथ पड़ा हुआ है, जबकि वहीं पर केएम नानावती अपनी बंदूक लिए खड़े हैं। नानावती कुछ देर तक वहीं पर खड़े रहते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वहां से निकलकर वेस्टर्न नवल कमांड के मार्शल के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि मैंने किसी को गोली मार दी है। नानावती के ऐसा कहते ही वो मार्शल नानावती से कहते हैं कि तुम सीधे थाने में जाकर सरेंडर कर दो। इसके बाद केएम नानावती लगभग शाम के 6 बजे गांव देवी पुलिस स्टेशन जाते हैं। थाने पहुंचकर नानावती डीएसपी जॉन लोबो से ही पूछते हैं कि लोबो साहब का कमरा कहां है। जवाब में जॉन लोबो कहते हैं कि मैं ही जॉन लोबो हूं। इस पर नानावती कहते हैं कि मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मगर मैंने एक आदमी को गोली मार दी है। अब तक प्रेम आहूजा की मौत की खबर जॉन लोबो तक आ चुकी थी, इसलिए जवाब में जॉन लोबो कहते हैं कि हां मुझे पता है वो आदमी मर चुका है। प्रेम आहूजा की मौत की खबर सुनते ही नानावती बिल्कुल खामोशी से वहीं पर बैठ जाते हैं। चूंकि नानावती अभी पूरी यूनिफॉर्म में थे तथा सीधे नेवल बेस के बड़े अधिकारी से पुलिस थाने में नानावती के बारे में पहले ही फोन आ चुका था, इसलिए पुलिस अधिकारी नानावती से बड़े ही तमीज के साथ पेश आते हैं। यहां तक कि नानावती को चाय भी ऑफर किया जाता है, मगर चुपचाप बैठे नानावती चाय पीने से इनकार कर देते हैं और वो बस एक गिलास पानी लाने के लिए कहते हैं। पानी पीने के बाद वो पुलिस अधिकारी को चाबी का गुच्छा देते हुए कहते हैं कि मेरी पत्नी और बच्चे मेट्रो थिएटर में फिल्म देख रहे हैं, ये उन्हें दे देना। अब तक इस मामले की जानकारी मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों को हो चुकी थी। वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं तथा पूरी प्रक्रिया के बाद नानावती को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि उन्हें जेल में नहीं रखा जाता है, बल्कि पास के ही एक गेस्ट हाउस को जेल में तब्दील कर दिया जाता है और नानावती वहीं रहते हैं। इधर प्रेम आहूजा का पोस्टमार्टम करने के बाद उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। पोस्टमार्टम में खुलासा होता है कि प्रेम आहूजा के सीने में 3 गोली मारी गई थी। केएम नानावती पर प्रेम आहूजा की हत्या करने के लिए धारा 302 के तहत मामला दर्ज करते हुए केस की सुनवाई शुरू होती है। इस पूरे मामले की सुनवाई ग्रेटर बॉम्बे सेशन कोर्ट में शुरू होती है। शुरुआती सुनवाई में इस केस में प्रेम आहूजा के वकील की ओर से दलील दी जाती है कि केएम नानावती को जब अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में पता चला तो वो गुस्सा हो गया और इसी बात पर उसने घर में घुसकर सीधे प्रेम आहूजा के सीने में गोली मार दी। प्रेम आहूजा के वकील की ओर से यह भी दावा किया जाता है कि यह एक प्री प्लान्ड मर्डर था, जबकि केएम नानावती के वकील की ओर से कहा जाता है कि यह कोई प्री प्लान्ड मर्डर नहीं था, बल्कि हीट ऑफ द मूवमेंट में गोली चल गई। नानावती के वकील की ओर से दलील दी जाती है कि प्रेम आहूजा और सिल्विया के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलने पर केएम नानावती प्रेम आहूजा से अपनी पत्नी तथा बच्चों के भविष्य के बारे में बात करने गए थे। नानावती प्रेम आहूजा से सिल्विया से शादी के बारे में पूछते हैं। इस पर प्रेम आहूजा कोई सटीक जवाब नहीं देता है, बल्कि नानावती से बदतमीजी करने लगता है। इसी बात पर दोनों में तेज बहस होने लगती है और हाथापाई की नौबत आ जाती है। नानावती के वकील के मुताबिक इसी हाथापाई के दौरान नानावती के हाथ से उनका वो लिफाफा गिर जाता है जिसमें उनकी बंदूक थी। बंदूक के नीचे गिरते ही प्रेम आहूजा बंदूक उठाने के लिए लपकता है, मगर उससे पहले नानावती खुद ही अपनी बंदूक उठा लेते हैं। इसके बाद प्रेम आहूजा नानावती से बंदूक छीनने की कोशिश करता है। इसी छीना झपटी में गलती से नानावती से गोली चल जाती है, जिससे प्रेम आहूजा की मौत हो जाती है। नानावती के वकील इस हत्या को गैर इरादतन हत्या का मामला बताते हैं। अब पूरा मामला ऐसा हो गया था कि अगर ये प्री प्लान्ड मर्डर साबित होता तो नानावती को उम्र कैद की सजा हो सकती थी,
जबकि अगर यह गैर इरादतन हत्या का मामला साबित होता तो फिर अधिकतम 10 साल की सजा नानावती को मिल सकती थी। कोर्ट में इस पर सुनवाई शुरू होती है और कुछ ही सुनवाई के बाद इस केस की सुनवाई के लिए जूरी मेंबर बैठा दिए जाते हैं। जूरी मेंबर के बारे में आपको बता दें कि ये जूरी मेंबर्स कोई जज नहीं होते हैं, बल्कि समाज में अच्छी पकड़ रखने वाले लोगों को बतौर जूरी बैठाया जाता है और वही पूरी सुनवाई के बाद अपना फैसला देते हैं। अमूमन जो जूरी मेंबर्स का फैसला होता है वही कोर्ट के जज का भी फैसला होता है। इस केस की सुनवाई के लिए कोर्ट की ओर से 9 जूरी मेंबर्स चुने जाते हैं। 9 में 2 पारसी समुदाय के, 2 क्रिश्चियन समुदाय के तथा 5 हिंदू समुदाय के जूरी मेंबर्स थे। अब तक इस मामले की खबर मीडिया में भी लग चुकी थी तथा अखबारों ने अपने अपने हिसाब से खबर चलाना शुरू कर दिया था। उन दिनों मुंबई में एक वीकली अखबार निकलता था, उसने उस पूरे मामले को इस तरीके से कवर करना शुरू कर दिया कि ये सामान्य सा लगने वाला हत्याकांड पूरे सिंधी और पारसी समुदाय के बीच का मामला बन गया। इस अखबार के ओनर एक पारसी थे, KM नानावती भी पारसी थे, इसलिए खबर इस तरीके से लिखे जाने लगी कि देखते ही देखते KM नानावती इस पूरे मामले में हत्या करने के बावजूद पीड़ित बन गए, जबकि प्रेम आहूजा को एक बिगड़ैल प्ले बॉय के तौर पर पेश किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते लोगों की हमदर्दी KM नानावती के साथ जुड़ने लगी। बीतते समय के साथ लोगों के दिलों में KM नानावती के लिए हमदर्दी बढ़ती गई। इस कारण लोगों ने नानावती के समर्थन में रैलियां निकालना शुरू कर दी और कोर्ट में नानावती को माफ करने के लिए याचिकाएं भी दायर की जाने लगी। इस केस को मीडिया में इतनी ज्यादा कवरेज मिलने लगी कि पूरे देश में इस केस की चर्चा होने लगी। केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट पूरी तरह भरने लगा, हजारों की तादाद में कोर्ट के बाहर लोग जमा होने लगे। इन सब के बीच केस की सुनवाई होती रहती है। इस पूरी सुनवाई में KM नानावती के वकील इस बात पर जोर देते रहते हैं कि ये सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या नहीं थी, बल्कि गलती से गोली चली, इस कारण उनकी मौत हो गई। जबकि प्रेम आहूजा के वकील की ओर से ये दलील दी जाती है कि अगर इन दोनों में झगड़ा हुआ होता तो जाहिर सी बात है कि प्रेम आहूजा के बदन पर जो तौलिया लपेटा हुआ था वो जरूर खुलकर गिर जाता है। इसके अलावा KM नानावती के यूनिफॉर्म पर भी खून के धब्बे जरूर होते, मगर KM नानावती के शरीर में खून का एक धब्बा भी नहीं है, जो इस बात का सबूत है कि नानावती ने दूर से खड़े होकर सीधा निशाना लगाकर गोली चलाई, जिससे प्रेम आहूजा की मौत हो गई। प्रेम आहूजा के वकील की ओर से यह भी दलील दी जाती है कि अगर गोली गलती से चलती तो एक गोली चलती, जबकि पोस्टमार्टम के मुताबिक प्रेम आहूजा पर 3 गोलियां एक के बाद एक चलाई गईं। इन सभी दलीलों के बावजूद जूरी मेंबर्स द्वारा पूरी सुनवाई के बाद एक हैरान कर देने वाला फैसला लिया जाता है। पूरी सुनवाई खत्म होने के बाद फाइनली जूरी मेंबर्स द्वारा 8-1 के अंतर से फैसला सुनाते हुए इस पूरे मामले में KM नानावती को निर्दोष करार दे दिया जाता है। मतलब 9 जूरी मेंबर्स में से 8 मेंबर्स ने माना कि गोली गलती से चली, जिसमें नानावती की कोई गलती नहीं थी, जबकि एक जूरी मेंबर्स का मानना था कि KM नानावती ने जानबूझकर पूरे होशो हवास में गोली मारी है। जूरी मेंबर्स के इस फैसले के बाद पूरे कोर्ट परिसर में जश्न का माहौल हो जाता है। कहा जाता है कि इस फैसले के बाद लोगों ने नानावती के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए और कईयों ने तो पैसा लुटाना शुरू कर दिया। पारसी समुदाय इस फैसले को अपनी जीत के तौर पर देखने लगा, जबकि सिंधी समुदाय में इस फैसले की वजह से गुस्सा भर गया। हालांकि जूरी मेंबर्स द्वारा सुनाए गए फैसले के महज चंद घंटे बाद मुंबई सेशन कोर्ट के जज द्वारा जूरी मेंबर्स द्वारा सुनाए गए फैसले में कुछ खामियां बताते हुए इस पूरे मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मुंबई हाई कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई होती है और लंबी सुनवाई तथा दर्जनों गवाही के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट प्रेम आहूजा के वकील की दलीलों को सही मानते हुए इस पूरे मामले में KM नानावती को दोषी करार देता है। मुंबई हाई कोर्ट द्वारा प्रेम आहूजा की हत्या के लिए नानावती को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इस फैसले का लोगों द्वारा कड़ा विरोध किया जाने लगता है, इसके बावजूद KM नानावती को जेल भेज दिया जाता है। हत्या करने के 3 साल बाद यह पहला मौका आया था जब नानावती जेल भेजे गए थे। जब नानावती को जेल भेजा जा रहा था तो आखिरी बार वो हजारों की भीड़ के सामने जेल के गेट पर अपनी पत्नी को आखिरी बार गले लगाते हैं और उसे किस करते हुए अलविदा कहते हैं। ये तस्वीर एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से चर्चा का विषय बनती है और इस तस्वीर के जरिए मीडिया के कुछ खास वर्ग द्वारा ये संदेश देने की कोशिश की जाती है कि KM नानावती ने जो किया
वो अपनी पत्नी की इज्जत बचाने के लिए किया था। वो एक आदर्श पति और पिता होने का फर्ज निभा रहे थे। लोगों के बढ़ते विरोध के बीच अचानक से महाराष्ट्र की नई नई राज्यपाल बनाई गई विजय लक्ष्मी पंडित की ओर से कहा जाता है कि जब तक इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक नानावती जेल के बाहर ही रहेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राज्यपाल का यह फैसला बदल जाता है। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट में अरसे बाद एक मर्डर केस के मामले की सुनवाई संवैधानिक बेंच कर रही थी। यहां लंबी सुनवाई चलती है और फाइनली 24 नवंबर 1961 को सुप्रीम कोर्ट भी मुंबई हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी मुहर लगाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी के.एम. नानावती को प्रेम आहूजा की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जरूर के.एम. नानावती को सजा सुना दी गई थी, मगर लोगों का समर्थन नानावती के लिए कम होने का नाम नहीं ले रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही अपना फैसला सुना दिया था, मगर अभी नानावती को राज्यपाल द्वारा माफ किया जा सकता था, और वो राज्यपाल कोई और नहीं बल्कि विजय लक्ष्मी पंडित थी। विजय लक्ष्मी पंडित भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ऐसा कहा जाता है कि विजय लक्ष्मी पंडित भी के.एम. नानावती के समर्थन में थी और वो भी चाहती थी कि नानावती को माफ कर दिया जाए। मगर यहां समस्या ये थी कि अगर नानावती को माफ कर दिया जाता तो एक तरफ जहां पारसी समुदाय खुश होता तो दूसरी तरफ इस फैसले से सिंधी समुदाय नाराज हो सकता था। इस चक्कर में लगभग 3 साल तक नानावती की मर्सी पिटीशन राज्यपाल की ऑफिस में ही रहती है। मगर इसी बीच राज्यपाल के ऑफिस में भाई प्रताप नाम के एक स्वतंत्रता सेनानी तथा उस समय के बड़े बिजनेसमैन की माफी की अर्जी आती है। कुछ समय पहले ही एक बिजनेस में भाई प्रताप की चोरी पकड़ी गई थी और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। भाई प्रताप सिंधी समुदाय के बड़े सम्मानित व्यक्ति थे। एक स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते भी इनका काफी सम्मान था। भाई प्रताप की माफी की अर्जी आते ही एक बार फिर से नानावती को माफी देने की कोशिश भी शुरू हो जाती है। दरअसल डील ये होती है कि अगर भाई प्रताप को माफी दी जाएगी तो नानावती को भी माफी दी जाएगी। इस तरह भाई प्रताप की माफी से सिंधी समुदाय खुश हो जाएगा और नानावती की माफी से पारसी समुदाय खुश हो जाएगा। इसी के बाद प्रेम आहूजा की बहन से नानावती को माफ करने के संबंध में एक लेटर राज्यपाल को लिखवाया जाता है। इस लेटर के मिलने के बाद फाइनली एक साथ के.एम. नानावती को तथा भाई प्रताप को जेल से 1962 में रिहा कर दिया जाता है। इस रिहाई से सिंधी तथा पारसी समुदाय के बीच जो तनाव की स्थिति बनी थी वो भी खत्म हो जाती है। इस पूरे केस की सुनवाई के दौरान राम जेठमलानी एक बड़े वकील के तौर पर अपनी पहचान बनाने में भी कामयाब हो जाते हैं। कहा जाता है कि ये राम जेठमलानी का पहला बड़ा केस था और बखूबी उन्होंने इस केस में कामयाबी भी हासिल की। ये इतना हाई प्रोफाइल केस हुआ था कि भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर के.एम. नानावती की पर्दे के पीछे से मदद करने के आरोप लगे थे। बाद में इन लोगों ने मीडिया में आकर सफाई दी थी कि नानावती की कोई मदद नहीं की जा रही है। जेल से छूटने के बाद के.एम. नानावती अपने परिवार और बच्चों समेत कनाडा चले जाते हैं और लगभग 75 वर्ष की उम्र में 2003 में इनकी मृत्यु कनाडा में ही होती है। नानावती की पत्नी और उनके बच्चे फिलहाल किस हालत में हैं और कहां हैं, उनके बारे में पब्लिकली बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।